वी लव इंडिया, राइट। और पेरेंट्स ने हमें संस्कार दिए, उन संस्कारों के कारण आज हम जिंदगी में जो हैं आज उनके संस्कारों के कारण हैं। उसके बाद थैंक्स करते हैं हम एमवे कॉरपोरेशन, राइट, द ग्रेट कॉरपोरेशन। एक बार बढ़िया सी क्लैप करेंगे एमवे कॉरपोरेशन के लिए। चंद रुपयों में, चंद पैसों में एक इतना बड़ा ट्रेंड का बिजनेस हमें दे देता है, हमें पता ही नहीं लगता है। और सारे एमवे स्टाफ का थैंक्स करते हैं जो जी जान हमारे लिए हमारी हेल्प करते हैं इस बिजनेस में। उसके बाद थैंक्स करते हैं दिस ग्रेट एजुकेशन सिस्टम ब्रिट वर्ल्ड वाइड, सैल्यूट टू दिस सिस्टम, राइट। मेरी मुझसे पहचान करवाई इस सिस्टम ने, मैं जानता ही नहीं था खुद को, मुझे पोटेंशियल ही नहीं पता था अपना। और सारे ब्रिट स्टाफ का जो दिन रात मेहनत करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं, एक बार तालियां बजाएंगे ऑल ब्रिट स्टाफ का, जिसके कारण ये इवेंट बनते हो पाते हैं। और उसके बाद हमारी LOS, वन ऑफ द बेस्ट LOS ऑन द अर्थ, है ना, बिगेस्ट LOS ऑन द अर्थ, राइट। इस LOS में कमाल के लोग हैं सारे के सारे। हमें जिसे स्पॉन्सर किया उनका नाम ललित एंड बिंदु आनंद, वो पंचकुला से हैं। उन्होंने हमारे लिए दरवाजा खोला इस अपॉर्चुनिटी का, और वो दरवाजा खोल के अपना दरवाजा बंद करके चले गए। और उसके बाद थैंक्स करते हैं हमारे प्लैटिनम पठानकोट से थे मिस्टर विकास एंड सोनम गंडोत्रा। उसके बाद हम थैंक्स करते हैं हमारे और उनके ऊपर सीनियर है जलंधर से, हिज वीरेंद्र धीमान, और उनके ऊपर एक कपल जिन्होंने हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में, हमारे एक दोस्त की तरह, पेरेंट्स की तरह, मेंटर की तरह हेल्प की, हिज नन अदर देन इंद्रजीत एंड प्रेरणा जस। में एक जबरदस्त क्लैप चाहूंगा उस कपल के लिए। और उनके ऊपर एक और शानदार कपल, राइट, सरबजीत सिंह गोल्डी जी, राइट, और उनके ऊपर डॉक्टर हरलीन बडैच, और उनके ऊपर आप सब जानते हैं उनको, लाखों लोगों की जिंदगी को पूरे वर्ल्ड के अंदर चेंज करते जा रहे हैं, आज भी चेंज करते जा रहे हैं। वो द यंगेस्ट मोस्ट एनर्जेटिक कपल, उनको छू लेते हैं तो एनर्जी फ्लो हो जाती है, नन अदर देन डॉक्टर हरभजन मोहिंदर कौर बडैच, द फाउंडर ट्रिपल डायमंड, ओनली फाउंडर काउंसिल मेंबर इंडियन इन द वर्ल्ड। और उनके ऊपर मेगा डायमंड्स फ्रॉम US, नितिन एंड पारुल सोनी, और उनके ऊपर मेगा डबल डायमंड्स राज एंड संगीता शाह, राइट। उनसे भी कभी कभी हमें मुलाकात होती है और बहुत सी चीजें उनसे सीखने को मिली हैं। उसके बाद कुलीन एंड मीना देसाई, द मेगा डायमंड्स, राइट, और द कंट्री मेंटर्स कांति एंड लता गाला, एंड ऑल द वे टू बिल एंड पैगी ब्रेट, राइट। इतना जबरदस्त LOS है। और उसके बाद थैंक्स करूंगा इस खूबसूरत लेडी का जो मेरे साथ में खड़ी हुई है, थैंक्स तो बहुत छोटा शब्द है इसके लिए। आज मैं जिंदगी में इस बिजनेस में जहां हूं मीनाक्षी के कारण हूं, और आज मेरा इस बिजनेस में आगे बढ़ने का जो भी रीजन है वो मीनाक्षी है। यही मेरा ड्रीम है, यही मेरी वास्तविकता है, और आज इसी के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में दम लगा रखा है। जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी है, ना उससे थोड़ी सी कम, ना थोड़ी उससे ज़्यादा। मैं इसको दिल से बहुत प्यार करता हूँ। यू आर ब्लेसिंग इन माई लाइफ, आई लव यू माई जान, एंड हेयर इज द न्यू डायमंड लेडी Going crown, Meenakshi Rana. Thank you. Wow, what a warm welcome. Hello friends, जो लोग पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जिन लोगों ने नया पिन अचीव किया है उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हम लोग आज जो भी लाइफ जी रहे हैं हम सब, वो परिणाम है उन सब चॉइसेस का जो हमने अपने पीछे की लाइफ में की है। हो सकता है आप में से कुछ लोग आज ये सोच रहे हों कि ये कपल कितना लकी है जो डायमंड चला गया, लेकिन हमारी ये डायमंड शिप भी परिणाम है उन चॉइसेस का जो हमने पीछे अपनी बिजनेस जर्नी के दौरान की। मैं आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ एक लड़की की, जो पैदा हुई एक घर में हरियाणा के एक नूना माजरा गाँव में, जिसके फादर SDO इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, जिसकी मदर हाउस वाइफ और एक छोटा भाई। और जब वो लड़की बड़ी हो रही थी तो उसका सपना था कि वो कुछ बड़ा करेगी, IAS बनेगी या IFS करेगी, और खूब पैसा होगा, खूब नौकर चाकर होंगे और ऐश की ज़िंदगी होगी। उसको घर का काम करना अच्छा नहीं लगता था, और जब मदर उसको कहती कि तुम लड़की हो घर का काम सीखो, तो वो पूछती कि वो क्या बन जाए कि उसको घर का काम ना करना पड़े, तो जवाब आता कि प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओगी तो भी करना पड़ेगा। खैर, मास्टर्स किया उसने कंप्यूटर साइंस में, अच्छी जॉब लगी, शादी हुई एक इंजीनियर के साथ, बढ़िया लाइफ चल रही थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी वो सोचा करती थी। और फिर ये बिज़नेस आया, इस बिज़नेस में ऐसी ड्रीम लाइफ देखी, खूब घूमना फिरना, विदेशों की फ्री सैरें, खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े, हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशन, खूब मान सम्मान, तो ये बिज़नेस उसके दिल में चला गया, और उन हस्बैंड वाइफ ने इस बिज़नेस को करने का डिसीजन लिया। और फिर शुरू हुआ संघर्ष, बहुत लोगों ने ना बोला, फ्रेंड्स ने ना बोला, पेरेंट्स ने कहा कि
कि कहाँ पढ़ गए, हमने इसलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था, खूब कोशिश की छुड़वाने की। उस वक्त उस हस्बैंड वाइफ के पास चॉइसेस थी कि इस बिज़नेस को छोड़ दें, अपने घुटने टेक दें, अपने सपनों से समझौता कर लें, या टिके रहें और अपने ड्रीम्स पूरे करें। उन्होंने चुनाव किया इस बिज़नेस में डट के टिके रहने का और अपने सपने पूरे करने का। आम लाइफ में हम सब अपनी फैमिली में अपने चारों ओर देखते हैं कि रिलेशनशिप से ज़्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है। चिलचिलाती गर्मी है, गाड़ी के शीशे फिर भी नीचे हैं, एसी गाड़ी है हालांकि फिर भी शीशे नीचे हैं। 5 जनों का परिवार होटल में जाते हैं, एक ही कमरा ले लेते हैं, रात ही तो काटनी है, और एसी पूरी रात क्यों चल रहा था। बाप का पैसा है, खुद कमाओगे तो पता चलेगा। काम वाली क्या करनी है, बहू तो है घर में, ये क्या करेगी सारा दिन। ये सब चीज़ें हम आए दिन अपने घर में देखते हैं। लेकिन वो कपल इस मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर आना चाहता था, वो ये मिडिल क्लास लाइफ नहीं जीना चाहता था, तो उसने ये चुनाव किया इस बिज़नेस में डायमंड जाने का। और मुझे पता है अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। येस ऑफ कोर्स, ब्रांड न्यू डायमंड कपल धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा। और आज वो ड्रीम लाइफ जीने की शुरुआत हो चुकी है। इस बिज़नेस के थ्रू हम लोग बहुत कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, स्पेन, इटली, फ्रांस, थाईलैंड, चाइना, मलेशिया, मेलबर्न, स्विट्ज़रलैंड, और इस साल हमारे डायमंड जाने के बाद 4 इंटरनेशनल ट्रिप हैं, जिसमें से एक हम अभी थाईलैंड का लगाकर आए हैं। थाईलैंड का स्पेशल इसलिए था क्योंकि इस बार हम बिज़नेस क्लास में गए, और बिज़नेस क्लास में स्पेशल बिज़नेस लाउंज होता है और अलग से आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है। और फिर जब हम प्लेन में गए और जब हमारी सीट पर हम लोग बैठे तो इतना स्पेशियस थी वो, और फिर वो एयर हॉस्टेस आई, उसने पूछा अच्छा वेलकम ड्रिंक में आप क्या लेंगे मैडम, शैम्पेन लेंगे या आइस टी लेंगे या फिर सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे या टी लेंगे। तो हमने उसको बता दिया क्या लेंगे। फिर उसके बाद कुछ ब्रेड आई, सैलड आई, हमें लगा इकोनॉमी में तो एक ही बार आता है शायद यही होगा सब, बट उसके बाद एक बार और आई खाने के लिए प्रॉपर, फिर उसके बाद एक बार और आई स्वीट डिश के लिए, फिर और फ्रूट्स के लिए, फिर फाइनली चाय और कॉफ़ी के लिए। वाओ। फिर उसके बाद हम लोग सोने के लिए तैयार हुए तो सीट में 3 बटन, एक बटन प्रेस किया तो मसाज होने लगी, दूसरा प्रेस किया तो सीट एकदम कंफर्टेबल हो गई, तीसरा प्रेस किया तो एकदम फ्लैट हो गई। मैं और राणा जी डिस्कस कर रहे थे कि अगर डॉक्टर बड़ैच ने हमें 2 साल पहले बता दिया होता कि इतना मज़ा आता है बिज़नेस क्लास में, तो हम 2 साल पहले डायमंड चले गए होते। और इस बार हमें अलास्का क्रूज़ भी मिला है, जहाँ पर इंडियंस तो जाते भी नहीं कभी, वो हमें एमवे की तरफ से फ्री मिलेगा, शॉपिंग का भी पैसा मिलेगा, आप सोच के देखिए। फिर उसके बाद हमें टोरंटो जाना है, फिर हमें एडा मिशिगन USA जाना है, और ये सब फ्री। कभी आसमान से उड़ते प्लेन को देखते थे कि कभी हम भी उड़ेंगे क्या, कभी हमारे पासपोर्ट पे भी ठप्पे लगेंगे, लेकिन आज उस पासपोर्ट में फिर से पेजेस लगने जा रहे हैं, वो पूरा भर चुका है इसी बिज़नेस की वजह से। आज इसी बिज़नेस के कारण मैं जॉब पे जाने की ज़रूरत नहीं है, 7 साल मैंने जॉब की है लेकिन अब कम्प्लीटली फ्री हूँ। कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने इतना पढ़ाई लिखाई करके मैं जॉब नहीं कर रही, और अपने हस्बैंड के साथ फुल टाइम स्पेंड करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इतना सारा मान सम्मान है, ये बहुत अच्छा लगता है। और अब डायमंड चले गए हैं तो इस बार जब बोनस आया दिवाली पर तो सोचा कि कुछ डायमंड का ले लेते हैं, तो ये गले का सेट राणा जी ने गिफ्ट किया, एक होंडा सिटी गाड़ी, बढ़िया है। राणा जी ने एक अंगूठी ली एक नैनो कार जितनी। तो इस तरह की लाइफ हो गई, अपने पेरेंट्स को हमने फॉरेन ट्रिप्स दिए अपनी तरफ से, तो ये सारी कुछ अचीवमेंट्स हैं। और मैं लेडीज़ से बात करूंगी कि लेडीज़ छोटे छोटे संघर्ष, छोटी छोटी लड़ाइयाँ खुद से आपको भी इस बिज़नेस में करनी पड़ेंगी। जब आपकी मेड नहीं आई होगी और आपको मीटिंग पे भी जाना होगा तो क्या आप मीटिंग कैंसिल कर दोगे, या फिर जब आपके बच्चे रो रहे होंगे उस वक्त क्या आप पोस्टपोन कर दोगे, या आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं और एक सेमिनार है तो आप बहाना तो नहीं लगाओगे कि उनके एग्ज़ाम्स हैं, मेरे को उनकी तैयारी करवानी है। या फिर हो सकता है आपको सारा काम खुद ही करना पड़ता हो, आपके घर में फुल टाइम हेल्प ना हो और आपको लगता हो कि इतना सारा काम उफ़ किन चक्रों में पड़ गए। ये सब चीज़ हमारे साथ थी, लेकिन आज इस बिज़नेस के रिवॉर्ड्स इतने बड़े हैं कि वो जो हमने मेहनत की वो कुछ भी नहीं अभी लगता। और हमें ईश्वर ने डेट ऑफ बर्थ दी है और डेट ऑफ डेथ दी है, ये दोनों निश्चित हैं, लेकिन उसके बीच में एक फिल इन द ब्लैंक है, हमने उसमें डायमंड शिप भरा है
और अब क्राउन एम्बेसडरशिप भर रहे हैं, आपका चुनाव क्या है? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जिंदगी यूं ही तमाम करनी है या उसको डायमंड बन के किंग साइज जीना है, ये चुनाव आपका है। नाइस टॉकिंग टू यू। और अभी अपने हस्बैंड को फिर से माइक देती हूँ। उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। मैंने हमेशा ऐसा ही हस्बैंड मांगा था ईश्वर से, दो ही चीज़ें मांगी थी, एक अच्छा हस्बैंड और एक डायमंड शिप। और थैंक गॉड मुझे ऐसे ही हस्बैंड मिले। ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट ड्रीम बिल्डर और क्राउन इन द मेकिंग। माई प्रिंस चार्मिंग धर्मेंद्र राणा फॉर यू। थैंक यू। वाओ, वंडरफुल, अमेजिंग, अमेजिंग। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मीनाक्षी बात करती है, मैं मीनाक्षी को देखता रहता हूँ। आप तो ऐसा नहीं कर रहे थे, आपको सुनना था, राइट? ओके, मेरा जैसे बताया नाम धर्मेंद्र राणा। मैंने सोनीपत हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत, उसका एक छोटा सा गांव है फिरोजपुर, वहां पे पैदा हुआ। और कुछ हैं हरियाणा के भाई यहाँ पे, राइट? ओ वाओ, वंडरफुल, राइट? और मेरे फादर उस गांव के अकेले सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, सिविल इंजीनियर बने। हरियाणा की अलग अलग सिटी में उनका ट्रांसफर होता रहा, हम भी उनके साथ जाते रहे और पढ़ाई चलती रही इसी तरह से। फिर ट्वेल्थ में आए तो सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैं भी इंजीनियरिंग करने चला गया मेरे फ्रेंड्स के साथ में। और इंजीनियरिंग खत्म हुई, इंजीनियरिंग खत्म हुआ और 92 में मैंने इंजीनियरिंग की थी। मैं लगभग 19 साल का था और जॉब लग गई, और जॉब लगी, मेहनत करना स्टार्ट किया, फिर रिश्ते आने शुरू हो गए। क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग में गया था तो मेरी वेट था 49 kgs, राइट? और वापस आए तो 72 kgs हो गया था, राइट? है कुछ हॉस्टलर्स यहाँ पे, है ना? तो हॉस्टल में बहुत मस्ती की थी, फ्रीडम की लाइफ थी, है ना? और वापस आए तो नौकरी लग गई। और हमारे जाट परिवार से हूँ तो बोले जी छोरा गबरू जवान, है ना, नौकरी लग गई है तो रिश्ते आने लग गए। और रिश्ते आने लगे तो क्या हुआ कि मेरे फादर ने एक प्रोफाइल बनाया, मेरी मदर ने एक प्रोफाइल बनाया, दोनों प्रोफाइल को जोड़ दो तो ऐसी लड़की, ईश्वर के पास कोई डाई नहीं है जिसमें वो लड़की बन पाए, राइट? इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स उनकी थी। तो लगभग 100 लड़कियां हम लोगों ने देखी, पेरेंट्स ने देखी, लेकिन कोई भी उनको जची नहीं, राइट? और वैसे बोलते हैं इस बिजनेस में भी कि हमेशा जो डायमंड है वो डेप्थ में मिलता है, तो मुझे कोहिनूर मिला डेप्थ के अंदर, राइट? और हमारी शादी हुई और शादी अच्छी चल रही थी, लाइफ कूल थी, 4 लोग 3 इनकम, दिल्ली में घर गाड़ी। लेकिन कहीं पर लगता था कि जिंदगी में जो सोचा था कभी हॉस्टल लाइफ में या अपने बचपन की लाइफ में, वो लाइफ शायद आज नहीं जी पा रहे हैं। और तभी एक फ्रेंड मेरा आया, मेरा कलीग था, मेरे से जूनियर था, मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। उसने 15 मिनट समझाया, मैंने उसे आधा घंटा समझाया। उसकी बात तो मुझे समझ में नहीं आई, मेरी पता नहीं उसको क्या समझ में आ गई, उसने बिजनेस छोड़ दिया। उसके लगभग 1 साल बाद मेरे एक और सीनियर ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, इस बिजनेस के बारे में बताया। सीनियर था, मैंने ध्यान से सुना, इसलिए बिजनेस को साइन अप कर दिया। दिल में इतना उतरा नहीं था बिजनेस, थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट किया, 6% चले गए, 9% चले गए, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो पा रहा था। तभी एक सेमिनार आया, इसी तरह का एक एफईडी थी, उस सेमिनार में गए। और जब ये 6 से 9% की जब जो जर्नी थी, यहाँ पे बहुत आसान सा नहीं था ये जर्नी भी, लोगों ने कहा प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, युद्ध था उस टाइम ये दोस्त, किसी ने बोला कि जो पहले करने वाले थे वो कर गए, अब नहीं हो सकता है, उस टाइम ये युद्ध था। 40-50 किलोमीटर दूर जाते थे और वहां पर लॉक मिलता था, फिर वापिस आते थे तो युद्ध था। लोग बिजनेस में आए और आने के 6 दिन बाद बिजनेस छोड़ देते थे, ये युद्ध था। कोई कंपनी आती थी और बोलती थी हम एमवे से बेहतर हैं, ये युद्ध था। आके बोलती थी आपको ऊपर ऊपर लगा देंगे, ये युद्ध था। जब इतनी मेहनत कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, तो पेरेंट्स ने बोला, फादर ने बोला कोई भी डायमंड चला जाएगा बट धर्मेंद्र राणा तू डायमंड नहीं जाएगा, ये युद्ध था। मीनाक्षी के पेरेंट्स ने बोला मीनाक्षी को कि कहां बेटी को बाहर धूप में घुमाते रहते, कैसी काली होगी, युद्ध था दोस्त उस टाइम। बट मुझे ये उस टाइम तक लगता था ये युद्ध कहीं बाहर है, बट एक दिन समझ में आया ये युद्ध बाहर नहीं था, ये युद्ध तो खुद से था, ये युद्ध खुद से था दोस्त, किसी और से नहीं था। और आया कैसे समझ में, उस एफईडी के अंदर, उस एफईडी में क्या हुआ, मुझे यह समझ में आया मेरे अंदर 2 लोग लड़ रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है जो मेरे ही अंदर है, और वो 2 कुत्ते हैं, एक सफेद और एक काला है। जब भी ये लोग कुछ कहते थे, नेगेटिव देते थे, तो उस काले कुत्ते को खुराक मिल जाती थी। काला कुत्ता बड़ा हो गया, सफेद कुत्ता जैसे ही कुछ ड्रीम की बात करता तो एक थप्पड़ मारता था काला कुत्ता, सफेद कुत्ता कोने में जाकर कूं कूं करता रहता था। उस एफईडी में क्या हुआ, एक डायमंड आया, उसने कुछ पॉजिटिव खुराक दी, मेरा सफेद कुत्ता थोड़ा सा बड़ा हुआ। अगला डायमंड आया, थोड़ा सा सफेद कुत्ता और बड़ा हुआ। तीसरा डायमंड आया, सफेद कुत्ता और बड़ा हो गया। चौथा डायमंड आया, सफेद कुत्ता और बड़ा हो गया। फंक्शन खत्म होते होते मेरा सफेद कुत्ता इतना बड़ा हो गया कि
कि उसने काले कुत्ते की गर्दन पकड़ी, उसको मोड़ दिया और उसको उसी दिन मार दिया और उसी चेयर के नीचे फेंक दिया जिस चेयर के ऊपर मैं बैठा हुआ था। दोस्त, आज भी यहां से बहुत से लोगों के काले कुत्ते अभी बचे हुए होंगे, आज उन काले कुत्तों को मार के जाना दोस्त, उनको बचा के मत जाना। और सुबह सुबह मुझे पता है, सुबह मुझे पता है जब ये यहां पे सफाई कर रहे होंगे तो बहुत से काले कुत्ते कुछ कुर्सियों के नीचे मिलने वाले हैं। दोस्त, बहुत कुछ मिला इस बिजनेस में, मैं बताता हूं आपको क्या मिला इस बिजनेस में। इतने सालों की कहानी 30-40 मिनट में कैसे पूरी हो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें मिला क्या मैं आपको सबसे पहले बताऊं। मैंने डिसीजन कैसे लिया मैं आपको वो और बताता हूं। डिसीजन जो लिया वो बहुत इमोशनल डिसीजन होना चाहिए, बिना इमोशंस के बिजनेस नहीं चलता है। 5 साल बिजनेस में हो गए थे और हम थे 12% पे थे, राइट। इमोशनल ड्रीम नहीं था कोई, लेकिन हुआ क्या, वो इमोशनल ड्रीम एक रात को अचानक मुझे मिला जब मीनाक्षी रो रही थी। मीनाक्षी रो रही थी क्यों? क्योंकि इतना बढ़िया फैमिली मीनाक्षी की, इतनी बढ़िया फैमिली मेरी, मीनाक्षी ने पढ़ाई लिखाई की, इतना मेहनत करती थी, सुबह उठती थी 5:30 बजे स्कूल के लिए तैयारी की, स्कूल में जॉब करती थी, 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाती थी, 2-3 बजे आती थी, लंच करती थी, 1 घंटा सोती थी, फिर रात के खाने की तैयारी, उसके बाद बिजनेस में मेरे साथ चली जाती थी, और वापस जब हम आते थे या अगले दिन तो पेरेंट्स उसको बुरा बोलते थे, राइट। और वो कहीं पे अपनी रिस्पेक्ट खोती जा रही थी और वो यही बोल रही थी, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास मैं आई हूं और मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपनी रिस्पेक्ट खोती जा रही हूं। दोस्तों, उस रात को मुझे लगा कि 16 सोमवार के व्रत रख के ये लेडी मेरे घर में आई है। इसने कितने सपने देखे होंगे, आपकी वाइफ ने भी बहुत से सपने देखे हैं दोस्त। उन्हें सोचा था कि एक राजकुमार मिलेगा, राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे चढ़ के, किसी का सपना 6 दिन में टूट गया, किसी का राजकुमार राक्षस बन गया, किसी के 2 साल में, किसी का 1 महीने में, 1 साल में। दोस्त, बट मुझे उस दिन लगा कि नहीं, इसके सारे सपने मुझे पूरे करने, वो 7 वचन भर के मैं आया हूं। सबकी मदर्स बोलती हैं कि बेटा जो ऐश करनी यहीं कर ले, आगे कुछ नहीं मिलने वाला, बट उस टाइम समझ में